आ रहा है हमारी दुनिया तबाह करने। उन्हें लगता है हम टूट चुके हैं, पर ये उनकी गलतफहमी है। तो दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्मों में से एक ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ये आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन है। लेकिन इन दो ही दिनों में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तो तोड़ दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ले चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के दो दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बात करने वाले हैं दोस्तों इस फिल्म के लाइफ के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रियान कुगलर के डायरेक्शन में बनने वाली ये एक सुपर हीरो फिल्म है जिसमें आपको नया ब्लैक पैंथर देखने को मिला है। इस फिल्म का एक्शन काफी गजब का है, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी थोड़ी इमोशनल और एंगेजिंग है। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी अच्छे रिव्यूज दिए हैं। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि फर्स्ट वाली ब्लैक पैंथर में चैडविक बॉसमैन लीड करते हुए नजर आए थे और उन्हें ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया था। लेकिन दोस्तों, अब उनके जाने के बाद इस फिल्म में उनकी बहन शूरी ब्लैक पैंथर के लीड में आपको नजर आने वाली है और दोस्तों वो भी अपना काम बखूबी निभाती हुई नजर आ रही है और चैडविक बॉसमैन की लिगेसी को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों बताते चले आप कि इस फिल्म को कल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2000 से 2500 स्क्रीन्स पर ऑल ओवर इंडिया में रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए की एडवांस लेकर इस साल की टॉप एडवांस लेने वाली फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का रेस्पॉन्स अपने पहले दिन मिला है, उसके बाद दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन इस साल की टॉप ओपनिंग लेने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि कल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन जहां डबल डिजिट का आंकड़ा आसानी से पार करते हुए 13 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट में की है, तो वहीं दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 16 करोड़ रुपए की कमाई करने में कामयाब रही। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए अच्छे रिव्यूज की वजह से दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में आज काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म की आज की जो एडवांस बुकिंग है वो 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा विदाउट ब्लॉक सीट के है। वहीं दोस्तों, ब्लॉक सीट के साथ इस फिल्म की जो एडवांस से वो 8 करोड़ के भी आंकड़े को पार कर रही है, यानी कि दोस्तों ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन पहले दिन से लगभग 20% ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है। मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म की आज ऑक्यूपेंसी 36 से 38% की है, आफ्टरनून और इवनिंग की भी सेम ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की हमें एडवांस में ही देखने को मिल रही है। यही वजह है दोस्तों कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर आज अपने दूसरे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वह आज लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों यह फिल्म शुरुआती दो दिनों में इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 28 से 29 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 33 से 34 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू चुका होगा। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अपने पहले दिन एक शानदार ओपनिंग ले ली है और $80 मिलियन से ज्यादा की कमाई इस फिल्म ने अपने पेड प्रीव्यूज और फर्स्ट डे को मिलाकर कर ली है, जो कि एक तरह से एक धमाकेदार ओपनिंग है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज अमेरिका में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म आज अपने दूसरे और तीसरे दिन को मिलाकर अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर $180 मिलियन यानी कि दोस्तों लगभग 1500 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले और दूसरे दिन का जो कलेक्शन है $240 मिलियन के आंकड़े को पार कर रहा है। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म अपना शुरुआती दो दिनों में ही बजट रिकवर कर चुकी है। अब उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म भी इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर दे। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्या लगता है दोस्तों, क्या ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।